देश टीवी की प्रस्तुति गवाह तारीख में देखते हैं आज का इतिहास। 24 जून के इतिहास में कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं जिनमें 24 जून 1206 को दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में ताजपोशी हुई थी। 24 जून 1564 को भारत की वीरांगना महारानी दुर्गावती मुगलों से जंग के दौरान शहीद हुई थी। वर्ष 1812 में 24 जून के दिन फ्रांस के तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट ने 3.5 लाख की सेना के साथ रूस पर आक्रमण किया था। आज के दिन 24 जून 1859 को फ्रांस और सार्दिनिया के साथ ऑस्ट्रिया का सोल्फोरिनो युद्ध हुआ था। 24 जून 1904 को आज ही के दिन अमेरिकी गायक, अभिनेता और हास्य कलाकार फिल हैरिस का जन्म हुआ था। हैरिस ने द जंगल बुक के बल्लू और रॉबिन हुड के लिटिल जॉन को अपनी आवाज़ दी थी। 24 जून 1918 को कनाडा में मॉन्ट्रियल से टोरंटो के बीच पहली एयरमेल सेवा की शुरुआत हुई थी। 1922 को 24 जून के दिन अमेरिकन प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने नेशनल फुटबॉल लीग का नाम बदला था। 24 जून 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की पहली बैठक जिनेवा में आयोजित की गई थी। 1961 को 24 जून के दिन भारत के पहले स्वदेशी HF-24 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान ने अपनी उड़ान भरी थी। 24 जून 1963 को डाक एवं टेलीग्राफ विभाग ने राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत की थी। 24 जून 1966 को मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के विमान के स्विट्जरलैंड के माउंट ब्लैक में दुर्घटनाग्रस्त होने से 117 लोगों की मौत हो गई थी। 24 जून 1986 को भारत सरकार ने अविवाहित महिलाओं के लिए भी मातृत्व लाभ को स्वीकृति दी थी। 1995 को 24 जून के दिन दक्षिण अफ्रीका ने रग्बी विश्व कप जीता था। 24 जून 2006 को फिलीपींस में मौत की सजा को खत्म कर दिया गया था। 24 जून 2010 को विंबलडन में टेनिस इतिहास का सबसे लंबा मैच 11 घंटे और 5 मिनट तक चला। अमेरिका के जॉन इस्नर और फ्रांस के निकोला मायो के बीच यह ऐतिहासिक मैच हुआ था। आज ही के दिन यानी 24 जून 2012 को मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता मोहम्मद मुर्सी मिस्र के राष्ट्रपति बने। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।